संस्फुरदा मतत्वं सच्चित्सुखं परमहंसं सगतं तुरीयं यत् स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैतिमित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीण पापानां शान्तानां पितरमागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान् मोक्षैकसाधनम् पाकस्य बह्निबह्ज्ञानम् विना मोक्षो न सेध्यते हरिओम। विवेक चूड़ामणि के 349वें वर्स में 349 में से शुरू करेंगे आज हम। तो बात चल रही थी आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। इग्नोरेंस कैन लीड यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग। इग्नोरेंस के कारण गलत समझ लेते हैं, ज्ञान के कारण गलत नहीं समझते। एक फिल्म आई थी लूसी, उसमें एक छोटा सा डायलॉग है कि इट इज नॉट द नॉलेज विच डिस्टर्ब्स अस, इट इज द इग्नोरेंस विच डिस्टर्ब्स अस। इग्नोरेंस ऑफ हु एम आई। आपको ऑब्जेक्टिव नॉलेज के इग्नोरेंस है तो कोई इशू नहीं, यू कैन फाइंड हेल्प फ्रॉम पीपल। जैसे मैंने कल की क्लास में बोला था एक्सक्यूज मी कि आपको नॉलेज नहीं है ड्राइविंग की तो कैन फाइंड समबडी हु कैन ड्राइव फॉर यू। आपको नॉलेज नहीं है कुकिंग की तो आप भूखे नहीं मरोगे। लेकिन अध्यात्म की जो नॉलेज है वो पैरामाउंट है, वो सर्वश्रेष्ठ है और उसके लिए हमारी प्रायोरिटी नहीं, उसको जानना हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। किसको जानना? अपने आप। अध्यात्म का मतलब ये थोड़ी है राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को जानना, वो तो माध्यम है अपने आप को जानने के लिए। राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, गणेश जी, ये सब माध्यम है आपको अपने आप से मिलाने के लिए। और वो ही सारी अध्यात्म की चर्चा, अध्यात्म का क्षेत्र है। केमिस्ट्री का पर्पस ये नहीं है कि आपको आर्किटेक्ट बनाया जाए। आर्किटेक्ट सिखाने का मकसद ये नहीं है कि आपको फुटबॉल प्लेयर बनाया जाए। हर संसारिक ज्ञान का एक क्षेत्र है, सीमित क्षेत्र है, और उसी के आसपास सारी जिंदगी बिता देते हैं। लेकिन अध्यात्म का क्षेत्र क्या है? अपने आप को जानना। और एक बार आप अपने आप को जान गए, मैं स्वयं को जान गया, स्वयं भू हो गया, सेल्फ एफल्जेंट हो गया, आत्मस्वरूप हो गया, मैं सारी दुनिया के ज्ञान को जान चलूंगा, मैं सारे संसार के ज्ञान को जान चलूंगा। अपने ज्ञान को जानने के बाद सारे संसार को। साउंड्स incredible. The moment you know that who you are, you will have a knowledge of the whole world. For example, सपने से जागने के बाद जैसे ही जागृत का ज्ञान हो गया, आप सपने के omniscient हो जाते हो, all knowing होते, सर्व सब कुछ जान जाते हो। दूसरी बात, जब आप आत्मज्ञान के जानने का प्रयास करते हो तो वो छोटी सुई में धागा डालने की तरह, और छोटी सुई में धागा डालना आसान है, ये सॉरी छोटी सुई में यदि धागा डालना आ जाए तो बड़ी सुई में धागा डालना आसान है। तो बात सिंपल है कि किसको जानना है? अपने को।
स्वयं अलफखिया विच कसूर तेरे नहीं दिखती चीज नचती तेन परम प्यारे दा रूप है बहुत नाजुक करनी पएगी नजर बरीक तेन अलफ अखियां विच कसूर तेरे नहीं दिखदी चीज नजदीक तैनू परम प्यारे दा रूप है बहुत नाजुक करनी पएगी नजर बरीक तैनू सुंदर दे मनुच दी पाई है तू सुंदर दे मनुच दी पाई है तू अज दित्ती है रब तफीक तैनू चतरदास लाले ऐनक ज्ञान वाली दिखे सोने दा मुखड़ा ठीक तैनू अलफ अखियां विच कसूर तेरे तेरी आंखों में कसूर है नहीं दिखती चीज नजदीक कितनी क्लोज है दिखती नहीं आंख के सबसे पास है आंख की भावें दिखती नहीं है आंख से सबसे करीब है आंख की भावें लैशेस ये नजर नहीं आती अलफ अखियां विच कसूर तेरे नहीं दिखती चीज नजदीक तेनू परम प्यारे दा रूप है बहुत नाजुक करनी पड़ेगी नजर बरीक तेन थोड़ा सा शार्प आइज करनी पड़ेगी सुंदर देह मनुष्य दी पाई है तू सुंदर देह मिली है तुझे मनुष्य आज दित्ती है रब तफीक तेनो तुझे ये बुद्धि दी है तुझे विवेक दिया चतुरदास लाल ऐनक ज्ञान हुआ चतुरदास कहते हैं ज्ञान का चश्मा लगा दिखे सोने दा मुखड़ा ठीक तेन तो यही प्रयास है हमारा कि ज्ञान का चश्मा लगाएं और संसार की रियलिटी को जानें और संसार की रियलिटी ये है कि इट इज योर ओन क्रिएशन आगे क्या कहता है हम देखते हैं श्लोक नंबर 349 क्या कहते हैं देखते हैं 349 के अंदर एतत्त्रितयं दृष्टं सम्यक् रज्जु स्वरूप विज्ञानात् तस्मात् वस्तु सतत्त्वं ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विदुषा एतत्त्रितयं दृष्टं सम्यक् रज्जु स्वरूप विज्ञानात् तस्मात् वस्तु सतत्त्वं ज्ञातव्यं बन्धमुक्तये विदुषा These three are observed in the case of a rope when its real nature is fully known. Therefore, the wise man should know the real nature of things for the breaking of his bonds. रज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही रज्जु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होते ही ये तीन एक साथ निवृत्त हो जाते हैं संसार इसलिए संसार बंधन से छूटने के लिए विद्वान को तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए तीन चीजें क्या है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड अनुभव किसी भी चीज को देखने के लिए तीन चीज चाहिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए दूसरा सब्जेक्ट चाहिए और तीसरा उसका संयोग चाहिए तो जैसे ही ज्ञान मिल गया रज्जु सर्प का कि सर्प नहीं है रज्जु है तो हम सब लोग उससे क्या हो जाते हैं निप्त हो जाते निवृत्त हो जाते भय एकदम चला जाता डरा डरा सहमा सहमा दुखी दुखी परेशान परेशान व्यक्ति गली गली कूचे कूचे कामनाओं को लेके कामनाओं की गठरी को लेके घूमे जा रहा है गली गली कूचे कूचे कामनाओं की गठरी को लेकर घूमे जा रहा है और बस यही आशा है उम्मीद है कि कहीं उसे जीवन का सार मिल जाए कहीं उसे जीवन का आसार मिल जाए कहीं उसे जीवन का आधार मिल जाए लेकिन वो अज्ञान है और उस अज्ञान के कारण वो कचरे को सोना समझ के बैठा
कचरे को सोना समझ के बैठा हुआ है, और जब तक उसे अज्ञान में फंसा, धूल मिट्टी में ऐसे लिपटा हुआ है जैसे वो स्वर्ण में लिपटा। ब्रह्मज्ञानी के लिए मिट्टी पत्थर सोना एक बराबर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो इग्नोर करता है। लेकिन हम सारा दिन फंसे हुए। I'm not a pessimistic, I'm not a negative individual. I'm a philosopher, I'm a thinker. And I have a solution for you. I don't have it. It's a Bhagavad Gita solution. Vivekchuraman is a solution. मेरे पास दवा है आपके अज्ञान को नाश करने, मेरे पास दवा है और मुफ्त उपलब्ध है आपके दुखों से आपको निर्वृत्त करने की। मेरे पास है दवा जो आपको शांति समृद्धि और सुख आनंद दे। लेकिन वो आके लो तो सही, आके तो लो, लेकिन नहीं। और उस आत्मा पदार्थ के अज्ञान के कारण संसार के बंधन से हम छूटना नहीं चाहते। आत्मा पदार्थ का अज्ञान है, वास्तविकता का ज्ञान है, और हम रियलिटी को छोड़ के अनरियल पे चल जाते हैं। दीपक द्वारा रस्सी का जैसे ही ज्ञान मिल जाता है, एकदम भय दूर हो जाता है, एक साथ निवृत्त होते हैं आवरण, मल और विक्षेप। आवरण क्या? अज्ञान, अज्ञान जन्य सर्प, और विक्षेप मीन्स भय, कंपन आदि, तीनों खत्म हो जाते हैं। आपको जैसे पता चल गया सामने रस्सी है, अज्ञान खत्म हुआ, सांप खत्म हुआ, और वो जो भय था, वो जो स्ट्रेस था, वो खत्म हुआ। सिमिलरली हम सब स्ट्रेस में हैं, भयभीत है। एक फोन की घंटी आपकी घंटी बजा देती है, एक छोटा सा कमेंट, छोटा सा ताना आपका ताना माना बिगाड़ देता है, एक छोटी सी घटना आपको औंधे मुंह गिरा देती है, और वो सब सबके पीछे है अज्ञान, और अज्ञान से आती है ईगो, और ईगो से आता है सुख दुख लाभ हानि मान अपमान। ईगो से नचाता है, ईगो नचाती। संतों ने यही कहा, शास्त्रों ने यही कहा, किताबों ने यही कहा, कोई नई बात नहीं बोल रहा मैं, कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा कि जिसको मैं बड़े पहली बार बोल रहा हूं। कोई रिविलेशन नहीं है, ये सहज है, सबको पता है। लेकिन किस लिए अंधे बने बैठे? आंख नहीं दिखता तो फिर भी चलो सोचा जा सकता है, लेकिन जो आंखों में कपड़ा बांध के बैठा हुआ है और ये सोच के बैठा हुआ है कि मैं जो सोच रहा हूं वो ठीक, रस्सी के भ्रम से सर्प प्रतीत होता है जो मिथ्या है, सांप जो दिख रहा है वो मिथ्या है रस्सी का ज्ञान से, और उस मिथ्या के कारण भय, कंपकपी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, और वो आपको मुझको क्या करते थे, उम्र भर प्रोटेक्शन मोड पे रखते, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, फिजिकल प्रोटेक्शन, और वो मोड में आते 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 हम सब लोग जिंदगी पूरी खत्म कर देते हैं। जिंदगी खत्म होते 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 जब थोड़ा बहुत होश आने का टाइम लगता है तो इट्स टू लेट। आगे क्या कहते हैं देखते हैं, श्लोक नंबर 350, श्लोक नंबर 350 क्या कहता है, तीन सौ पचास और 51 इकट्ठे हैं, 350 और 51 इकट्ठे हैं, तो उसको हम इकट्ठे देखते हैं। अयोग्नि योगादिव सत्समन्वया मात्रादि रूपेण विच्च
चुंबते थी तत् कार्यमेतद्वितयम् यतो मृषा दृष्टं ब्रह्मस्वप्नमनोरथेषु ततो विकारा प्रकृतेरहं मुखा देहावसाना विषयाश्च सर्वे क्षणेन्यथा भावितया यमीशाः असत्त्वमात्मा तु कदापि नान्यया लाइक iron manifesting as sparks through contact with fire, the buddhi manifests itself as knower and known through the inheritance of Brahman. As these two, knower and known, the effects of the buddhi are observed to be unreal in the case of delusion, dream and fantasy. Similarly, the modifications of the prakriti from egoism down to the body and all sense objects are also unreal. Their unreality is verily due to their being subject to change every moment, but the Atman never changes. Agni ke sanyog se jaise loha udal adi nana prakar ke roopo ko dharan karta hai, isi prakar atma ke sanyog se buddhi spash shabd roop ras gandh adi nana prakar ke vishayon se prakashit hoti hai. Ye dvait prapanch उस बुद्धि का ही कार्य है, इसलिए मिथ्या है, क्योंकि भ्रम स्वप्न और मनोरथ के समय उसकी प्रतीति का मिथ्या तो स्पष्ट रख देखा गया है. लोहे को अग्नि में डाला तो ऐसा लगता है वो अग्नि है, लोहे की गेंद को आप अग्नि जलती हुई अग्नि में डालो तो ऐसे लगता है वो लोहा नहीं है, वो अग्नि है. सिमिलरली आत्म के संयोग से बुद्धि विषयों के स्पर्श होती लगती है कि यही संसार है. आत्म के स्पर्श से अज्ञान के कारण हम सब लोग सोच लेते हैं कि जो दिख रहा है यही संसार है. जैसे लोहा आग है नहीं, तो जो दिख रहा है उसी को हम सच मान के चलते, क्योंकि भ्रम स्वप्न मनोरथ उसकी प्रतीति मिथ्या तत्व स्पष्ट देखा जाता है. आप आए हो यहां पे तो सिर्फ एक ही चीज के लिए आए हो, वो ब्रह्म ज्ञान के लिए, और कोई पर्पस नहीं. देर आर पॉलिटिकल शोज हैं जहां पॉलिटिक्स पे चर्चा होती है, देर आर फिल्म के शोज हैं, फिल्म क्रिटिक्स हैं जहां फिल्मों पे चर्चा होती है, यूट्यूब चैनल्स हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल है जो स्पोर्ट्स पे चर्चा करते हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल है जो फैशन पे, मेकअप पे, कपड़ों पे, ट्रैवल पे, इन चीजों पे डिस्कशन करते हैं. और आप फैशन के चैनल में कुकिंग नहीं एक्सपेक्ट करते, आप कृषि दर्शन के चैनल में टेक्नोलॉजी वो नहीं एक्सपेक्ट करते कि वहां पे आपको कृषि दर्शन के चैनल में यू डोंट एक्सपेक्ट कि आपको गाड़ियों के बारे में पता चलेगा, ट्रैक्टर के पता चल सकता है, गाड़ियों के नहीं. तो वेदांत के क्लास में आपको यही बात मिलेगी जो सुन रहे हो, संसार भ्रम है, संसार झूठ है, संसार सत्य नहीं है, संसार इमेजिनेशन है. सर आप पिछले सालों से, कई सालों से यही बात बोल रहे हो और कोई है ही नहीं टॉपिक. सर आप हमेशा रज्जू सर्प का उदाहरण देते हैं, इज नो द बेटर टॉप एग्जाम्पल. सर आप हमेशा ब्रह्म आत्म संसार झूठ सपना माया की बात करते. अरे क्या करूं मैं, सब्जी की दुकान में जाओगे तो सब्जी के रेट मिलेंगे, वहां पे हीरे ज्वारत के थोड़े मिलेंगे, और वेदांत की क्लास में आओगे तो वेदांत के ही विषय मिलेगा आपको, किसी और कचरे का तो मिलेगी नहीं बात. लेकिन संयोग हो जाता हमारा पंच इंद्रियों से और उसको हम संसार बना के बैठे. अज्ञानता से के कारण हमने संसार को आप सच मान के बैठे हो, है नहीं आपको के? ये चींटी देखिए सामने चल रही है, इसका संसार कैसा है? ये चींटी चल रही है, इसका संसार कैसा है? एक हाथी का संसार कैसा है? कुएं में मेंढक का संसार कैसा है? आपके घर में जो फिश टैंक है उसमें मछली का संसार कैसा है? आपके घर में जो गोल्डन रिट्रीवर है उसका संसार कैसा?
डॉग्स है उसका संसार कैसा है, किसने बनाया है संसार, ये मिथ्या है, प्रतीत हो रहा है नहीं, प्रतीत हो रहा है लेकिन है नहीं, भ्रम स्वप्न मनोरथ के कारण। तो अग्नि के संयोग से जैसे लोहा अलग अलग रूप दिखता है, ऐसे आत्म संयोग से बुद्धि नाना प्रकार के विषयों से प्रकाशित में प्रकाशित होती है। ये द्वैत प्रपंच बुद्धि का ही कार्य है, इसलिए मिथ्या है। बुद्धि क्या करती है, भेद करती है, बुद्धि क्या करती है, दो ले आती है, और जहां दो है वही बुद्धि काम करती है, और जहां दो नहीं है वहां बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए अभी ध्यान से सुनिएगा, मैं जो अगले 10-15 मिनट हम इसी पे चर्चा करेंगे, 5 मिनट तो करेंगे। ध्यान में जब आप बैठते हो तो ध्यान की फिनाले में आप मंत्र जाप करते हो, मंत्र में आप ओम जी का मंत्र जाप करते हो, ओम 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 जो भी है स्पीड से कम से, तो बुद्धि विवेक करती है मात्रा मात्रा के बीच में, ओम और साइलेंस के बीच में, साउंड एंड साइलेंस के बीच में, क्योंकि बुद्धि कभी काम कर सकती है जब भेद हो, जब डिस्क्रिमिनेशन, जब दो चीजें हो, और जहां बुद्धि जहां ऑप्शन ज्यादा है वहां कंफ्यूजन ज्यादा है। अब घर पे खाना खा रहे हो, एक सब्जी दाल है, कंफ्यूजन कम है, आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो कंफ्यूजन थोड़ी सी है, आप शादी में जाते हो तो बहुत कंफ्यूजन है, क्यों, जहां ऑप्शन है वहां कंफ्यूजन है, जहां ऑप्शंस हैं वहां कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन कैसे क्रिएट की जाती है, बुद्धि को भ्रम में लाके, बुद्धि को भ्रम में लाके, और जब तक बुद्धि का संयोग रहता है हम भ्रम में रहते हैं। तो ध्यान में आप क्या करते हो, मन को एक थॉट पे ले आते हो, अलग 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 थॉट चल रहे हैं आपके, आपके अलग 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 थॉट चल रहे हैं, माइंड को आप एक थॉट पे लेते हो, ओम ओम, अब बुद्धि विवेक कर रही है मात्रा अमात्रा, ओम साइलेंस ओम साइलेंस ओम साइलेंस, लेकिन जैसे ही आप बुद्धि को मन को सिंगल पॉइंटेड डेफिनेशन सिंगल पॉइंटेड कंसंट्रेटेड कंसंट्रेशन में ले आते हो, बुद्धि को एक थॉट में ले आते हो, दूसरा कोई थॉट नहीं है, बुद्धि डिसॉल्व हो जाती है। समझाता हूं, ये समुद्र है, ये पानी है, सो इमेजिन कीजिए ये सारा पानी है, और यहां पे मैं एक त्रिभुज रखता हूं, सॉरी ये थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ गया था, तो आई हैव टू रीजॉइन टुगेदर। तो श्लोक नंबर 350 में कहते हैं, 50 और 51 तीनों में, इसलिए अहंकार को लेकर 30 और 51 इकट्ठा था, इसलिए अहंकार को लेकर देह तक प्रकृति में जितने विकार विषय अथवा विषय, सो व्हाई द होल इश्यू स्टार्ट फ्रॉम ईगो, इग्नोरेंस से ईगो आती है, ईगो से देह और देह के विषय आते हैं, ये सब क्षण क्षण में बदलने वाले होने से असत्य है, आत्मा तो कभी नहीं बदलती, वो तो सदा एक रस होती। स्टार्ट अगेन, तो सबसे पहले क्या है, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस से ईगो, इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल इज नथिंग बट ईगो, और उस ईगो से अलग अलग पंगे होते हैं।
ईगो है, मैं हस्बैंड हूं मेरे साथ ऐसे बिहेव होना चाहिए, मैं वाइफ हूं मेरे साथ ऐसे बिहेव होना चाहिए, मैं दामाद हूं मेरे साथ ऐसे बिहेव होना चाहिए, मैं बॉस हूं मेरे साथ ऐसे बिहेव होना चाहिए, मैं सर्वेंट हूं मेरे साथ ये सलूक। हमने एक विचार बना लिया कि एवरीवन शुड बिहेव लाइक दिस, और वो सोशल सिस्टम में बढ़ गया ईगो, और उसी को ताना बाना बनते 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 पूरा संसार बन गया। उसमें अच्छे ताना बाना भी बना, बुरा भी बना, लेकिन है ईगो। अच्छी ईगो भी है कि मैंने अपने आप को डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना। उससे क्या होता है, समाज में एक सभ्यता, एक सिस्टम आ जाता है। लेकिन खराब ईगो भी है, मेरे बच्चे मेरी केयर करें, मेरी बच्चे मेरी सेवा करें, मेरे बच्चे मेरी मेरी सम्मान करें, वो मीडियोकर ईगो है, लोअर ईगो है। एंड लोएस्ट है कि मैं चोर डकैती से अपने अपनी कामना पूरी करूं, व्यभिचारी बन जाऊं। अहंकार है सब। दुनिया में जो भी दुख है ना, आई कैन प्रूव इट टू यू इन अ प्लेन ब्लंट स्टेटमेंट, इट्स ईगो। सर आप कैसे कह सकते हो छोटी उम्र में कोई चला गया, ईगो है। सर 25 साल का व्यक्ति चला गया, आई एम सॉरी टू गिव दिस एग्जांपल, लेकिन सारी दुनिया में लोग 25 साल में मर रहे होते, तब आपके घर में 25 साल की उम्र में कोई चला गया, तब दुख कितना होता। सॉरी टू गिव दिस एग्जांपल, दुनिया में हर कोई जानवर की एक एज होती है, जैसे डॉगीज की 14-15 साल में होती है, और 14-15 साल में डॉगी चला जाए, यू फील सैड, बट दैट्स यू अंडरस्टैंड, 4 में चला जाए तो दुख ज्यादा होगा। सिमिलरली हमारी लाइफ में मेरे साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा तो सुख है, मेरे साथ हो रहा है और सबके साथ हो रहा है तो नॉर्मल है, मेरे साथ नहीं हो रहा सबके साथ हो रहा है तो सुख है, या अपोजिट भी हो सकता है, सबके साथ हो रहा है मेरे साथ नहीं हो रहा तो दुख है, सबके साथ हो रहा है मेरे साथ भी हो रहा है तो ना सुख ना दुख, सबके साथ हो रहा है मेरे साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा तो सुख। और ये अहंकार में इतना ज्यादा जकड़ चुका है आदमी कि ब्रह्म और आत्मा का तो ख्याल कोसों दूर तक नहीं है। तो मिथ्या आत्मज्ञान आने पर एक रस हो जाता है, अज्ञान को तोड़ना। बार बार मोनोटोनसली मैं बोल रहा हूं, मैकेनिकली मैं बोल रहा हूं, विदाउट एनी एफर्ट मैं बोल रहा हूं कि क्या करना है, अज्ञान दूर करना है। अज्ञान दूर करने का तोड़ क्या है, ब्रह्म विद्या, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी से नहीं होगा अज्ञान दूर। अंधेरा है तो सिर्फ रोशनी से ही अंधेरा जाएगा, परफ्यूम से अंधेरा नहीं जाएगा, संगीत से अंधेरा नहीं जाएगा, ट्राई करके देख लो आप, तानसेन बन के देख लो जब। तो अहम पद अहंकार, आत्मा तो कभी बदलता नहीं, सदा सनातन है। उसके आगे क्या कहते हैं श्लोक नंबर 352, क्या कहते हैं श्लोक नंबर 352, उस पर चर्चा करते हैं। विद्याद्वया खंड चिरेक रूपः बुद्ध्यादि साक्षी सदा सद्धि लक्षणः अहम् पद प्रत्यय लक्षितार्थः प्रत्यक्षदानन्द घन परात्मा नित्याद्वयाखण्ड चिदेकरूपः बुद्ध्यादि साक्षी सदा सद्विलक्षणः अहम् पद प्रत्यय लक्षितार्थः प्रत्यक्षदानन्द घन परात्मा The Supreme Self is ever of the nature of eternal, indivisible knowledge, one without a second, the witness of the Buddhi and the rest, distinct from the gross, subtle and implied meaning of the term and idea I, the embodiment of inward eternalness.
जो अहम पद की प्राप्त प्रतीति से लक्षित होता है वह नित्य आनंद धन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय अखंड चेतन स्वरूप बुद्धि आदि का साक्षी सत और असत से भिन्न प्रत्येक अंतरात्मा में स्थित विराजमान है। भगवान जो है वो सब में है, अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है। मैं एक दो मैं है, एक है अहंकारी मैं और एक है आत्मस्वरूप मैं, अहम ब्रह्मस्मि का मैं। एक अहंकारी मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं डफर हूं, मैं इंडियन हूं, मैं यूरोपियन हूं, मैं जर्मन हूं, मैं सिक हूं, मैं टायर्ड हूं, मैं हेल्थी हूं। दीज आर ऑल लोअर ईगो। हायर ईगो क्या है? मैं अहम पद प्रतीति से, मैं आत्मस्वरूप, मैं ब्रह्म स्वरूप। तभी मैं बार बार कह रहा हूं, ईगो ही रखनी है तो सबसे बड़ी रखो यार। ईगो ही रखनी है तो फिर छोटी मोटी ईगो क्यों रखते? ईगो ही रखनी है तो फिर ऐसी रखो जो सबसे श्रेष्ठ। यदि आपके पास ऑप्शन है तो जॉब की तो छोटी क्यों जॉब लोगे, बड़ी लो। आपके पास ऑप्शन है परमात्मा स्वरूप बनने की तो फिर क्यों दास बनने की तैयारियां कर रहे हो? एक होता लोअर मैथमेटिक्स, एक होता हायर मैथमेटिक्स। तो लोअर मैथमेटिक्स बहुत छोटा सा, आपकी दुकान है, आपने कैनवस लिया मार्केट से, सदर से कैनवस लेके आए, पेंट लेके आए, स्केच लेके आए और वो दुकान में रख दिया। आपकी लागत 200 रुपए है और आपने 300 का बेच दिया, बल्ले बल्ले हो गया 50% प्रॉफिट। 200 की चीज 300 में बेच दी, बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन उसी 300 रुपए को एमएफ हुसैन ने एक लकड़ी, एक लड़की बना दी, एक पेड़ बना दिया, एक कुआं बना दिया, तो क्या हो जाएगी? तब वो क्या हो जाएगी? 300 की चीज 30 लाख में तक बिक जाएगी। अब क्या है ये? एक लोअर मेथड, 100 की चीज 200 में बेच दी, लोअर मैथमेटिक्स है। 300 की, 200 की चीज 3 लाख में बिक रही है, ये हायर मैथमेटिक्स। आप अपना दिमाग खर्च कर रहे हो संसार की वस्तु व्यक्ति स्थिति परिस्थिति में। आप अपना दिमाग लगाए हुए सुबह से शाम तक उस संसार के अठन्नी चुन्नियों में, मिल भी जाएगा तो क्या मिलेगा? जो तू मेरा हो जावे तो सारा जग तेरा हो जावे। अगर उस परम अहम पे, परम ब्रह्म पे ध्यान लगाना है तो फिर आपको वो चैतन्य आनंद अनंत स्वरूप मिलेगा। मैंने क्लब हाउस में बताया था, एग्जांपल दिया था कि जब एकेडमी में मैं गया तो कई कमेंट्री ले ली मैंने गीता जी की, हर सब्जेक्ट की, और हर को मैं पढ़ने लगा और टाइम कम ज्यादा लग जाता है। एक श्लोक पे आप 15 कमेंट्री पढ़ रहे हो तो हर श्लोक से अलग 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 चीजें निकल रही है, उससे आगे बढ़ते नहीं थे मैं, नोट्स मेरे स्लो हो गए थे। तो सर एक दिन आए तो उन्होंने देखा मेरे कमरे में इतनी सारी कमेंट्रियां पड़ी हैं, तो मुझसे पूछा ये क्या? मैंने कहा सर थारो स्टडी कर रहा हूं। उन्होंने जो बात बोली वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, कहने लगे तुम दिल्ली के सारे गार्बेज में घूमाओ, पूरा दिन सारे गार्बेजों में घूम के आ जाओ और उसके बाद आपको एक अच्छा महंगा फाउंटेन पेन मिल जाए, इज इट वर्थ इट। सिमिलरली हम सारी जिंदगी विषयों के पीछे घूमते 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 जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन एक रास्ता नहीं आता, एक समन्वय नहीं आता, एक समाधि नहीं होती। समाधि जहां धी सम जाए, शांत हो जाए, धीर गंभीर सुधीर हो जाए। और उसी की चर्चा पे केवल आत्मा ऐसा है जो सदानंद सदा सनातन हो जाए। तो बार बार हम एक ही बात बोल रहे कि कहीं ना कहीं आपका टांका फिट हो जाए उस विचार से, आपका थॉट एंकर हो जाए उस विचार से, आपके विचारों की गति उस परम तक चली जाए, तब एक रास्ता आ जाएगी।
अन्यथा तो फिर तू कौन मैं खाम खा। मुझे याद है बहुत साल पहले की बात है, रामलीला का समय होता था, मन रामलीला देखने लोकल रामलीला देखने चले जाते, और रामलीला देख रहे होते थे राम जी को कृष्ण जी को, रासलीला में भी होते थे, और छोटे थे तो पीछे के उसमें झांकने लग जाते थे टेंट के पीछे जहां पे एक्टर्स और जो रामलीला वाले कपड़े पर चेंज कर रहे होते थे, तो कभी कभी नोटिस करते थे जो राम बन रहा है पीछे सिगरेट पी रहा है, राम का रोल कर रहा है सिगरेट पी रहा है, छोटे मोहल्ले की रामलीला की बात करो तो बड़ा अजीब लगता था, ये क्या है यार, राम का किरदार कर रहा है और फिर सिगरेट पी रहे, भुचक्का रह जाते थे, सोचते थे ये कैसी स्थिति है, इतना बढ़िया इसको लोग बार पांव छूते हैं इसके, बाहर जब निकलता है तो हम स्टेज में जाके इनके पांव छूते, लेकिन अब कहां है, क्या क्या रोल कर रहा है और कहां फंसा हुआ है। तो जब बड़ा हुआ तो ये सोचा कि हम कौन है और कहां फंसे हुए हैं, क्या हमारा रोल है, क्या हमारी पदवी है, क्या हमारी शख्सियत है, क्या हमारा स्वरूप है, और किस चीज के अड़ंगे में अटके हुए हैं। तो जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा, भयंकर से भयंकर सिचुएशन में भी आप सहजता से जी लोगे उस राम की तरह, जो हर समय हर घड़ी हर दुख को तितीक्षा वैराग्य और विवेक के घोड़ों से चलता रहा। जिसने विवेक का घोड़ा पहना, विवेक का घोड़ा लिया, वैराग्य की तलवार ली और तितिक्षा का कवच लिया, एंड देन हर संकट हर संशय से निकलते निकलते अपने वास्तविक स्वरूप तक मिल गए। सोचेगा सोचा। हरिओम तत्सत।